नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा नॉलेज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग सामान्य अध्ययन के में सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो में, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपके तक पहले पहुँचे। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होते हैं? उत्तल लेंस। नेक्स्ट, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सिलेंडरी लेंस। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा? काला। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? प्रकाश। तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है व्यतिकरण का। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। संचार के प्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। तंतु प्रकाशित संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें।